डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना जो टॉपिक पढ़ चुके थे अपन, एरोमेटिक कंपाउंड्स का आगे जो शर्तों का पालन पढ़ना है, वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनका फॉलो करता है, इस कारण उसको एरोमेटिक कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे प्रारंभ में जो एरोमेटिक यौगिक जो होते थे उनमें विशेष प्रकार की सुगंध पाई गई। एरोमेटिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, एरोमा शब्द से लिया गया है। और प्रारंभ में एरोमा का अर्थ क्या होता है, सुगंध। तो प्रारंभ में इनमें सुगंध पाई गई, इसी कारण इसको क्या एरोमा होने के कारण यौगिकों का नाम भी क्या रख दिया, एरोमेटिक यौगिक रख दिया है। अब एरोमेटिकता के लिए शर्त क्या है, वो शर्तें क्या होते हैं, यौगिक जो है वो हैकल के नियम का पालन करना चाहिए। हैकल का नियम यहाँ पे क्या कहता है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरी बात, यौगिक के अंदर जो कार्बन परमाणु की जो संकरण अवस्था है वो sp2 होनी चाहिए, यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु समतल की जो आकृति है समतल त्रिकोणीय होनी चाहिए। यौगिक में डबल बॉन्ड व एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड व धनायन, डबल बॉन्ड व ऋणायन एकांतर क्रम में जुड़े हुए होने चाहिए। यदि यौगिक इन सभी शर्तों का पालन करता है तो वो यौगिक एरोमेटिक कहलाता है। तो देखिये एरोमेटिकता के लिए शर्त है, तो इसी के अंदर आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एरोमेटिकता के लिए शर्त। कौन कौन सी शर्तों का पालन करना चाहिए, यौगिक हैकल के नियम का पालन करना चाहिए, यौगिक हैकल के नियम का पालन करना चाहिए। अब हैकल का जो नियम है वो क्या है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि ये जो 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो आपका सिस्टम का अर्थ यहाँ पे तंत्र से, जो आपका यौगिक जो तंत्र है वो कौन से सिस्टम का पालन कर रहा है, यहाँ पे 4n+2π इलेक्ट्रॉन, इसे ही बोलते हैं हैकल का नियम। यहाँ पे n बराबर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ n बराबर नंबर को शो कर रहा है, यहाँ पे n बराबर 0 है, तो देखो यहाँ पे n का मान यहाँ पे 0 भी हो सकता है, यदि 0 रहेगा तो ये मल्टीप्लाई करोगे 0, तो यानी कितना इलेक्ट्रॉन, n बराबर 0 का मतलब 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। और n बराबर यदि ये 1 है, देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 4, 2, 6 कौन सा सिस्टम आ जाएगा, यहाँ पे 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसे ही n बराबर 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। n बराबर यहाँ पे 3 है तो क्या जाएगा, यहाँ पे 14π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और n बराबर यहाँ पे 4 है तो क्या जाएगा, 18π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और n बराबर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 22π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यानी n का मान जैसे आप रखोगे तो सिस्टम के अंदर 2π इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 2π इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन, 10π इलेक्ट्रॉन, 14π इलेक्ट्रॉन, 18π इलेक्ट्रॉन, 22π इलेक्ट्रॉन। यदि ये इन इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि यौगिक किसका फॉलो कर रहा है, हैकल के नियम का पालन कर रहा है। दूसरी बात, पहली शर्त तो ये होगी, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि यौगिक के अंदर जो संकरण है, यौगिक का प्रत्येक कार्बन परमाणु, यौगिक का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत होना चाहिए, sp2 संकृत होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहां से आप क्लियर हो चुके हैं, sp2 संकृत का मतलब प्रत्येक कार्बन जो परमाणु है वो डबल बॉन्ड का डेड कार्बन परमाणु से टच होना चाहिए। डबल बॉन्ड में कौन सा संकरण बताया, तो मैंने sp2, यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु की शर्त क्या हो गई, जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है उसका जो संपर्क है वो किससे होना चाहिए, डबल बॉन्ड से होना चाहिए। तो यौगिक कैसे कहलाएगा, एरोमेटिक। नंबर थर्ड पे कह रहा है कि यौगिक की जो ज्यामिति है वो कैसे, जब आपको पता है sp2 संकृत होगा तो इसकी जो ज्यामिति है 100% कैसी बन जाएगी, त्रिकोणीय समतल। ज्यामिति कैसी बनेगी, त्रिकोणीय समतल। तीसरी शर्त के अंदर कहता है कि यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड व एकल बॉन्ड, तीसरी शर्त में क्या कह रहा है, यौगिक में द्विबंध, यौगिक में द्विबंध व एकल बंध, द्विबंध व धनायन या द्विबंध
या ऋणायन एक दूसरे के एकांतर क्रम में उपस्थित होने चाहिए, एकांतर क्रम में उपस्थित होने चाहिए। यदि इन सभी शर्तों का पालन करेगा, इन तीनों शर्तों का यौगिक पालन कर रहा है, तो इसका मतलब यौगिक मैं क्या कह सकता हूं, एरोमेटिक है। तो पहला तो क्या हो जाएगा, देखो 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे n बराबर n के क्या है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई, 14 18 और 22 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, यौगिक का प्रत्येक कार्बन परमाणु कैसा होना चाहिए, sp2 यानी कि त्रिकोणीय समतल प्लेन नर वाली ज्योमेट्री शो करनी चाहिए। यौगिक में डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का संपर्क धनायन से होना चाहिए, डबल बॉन्ड ऋणायन के अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए, एकांतर यानी एक के बाद। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है यहां पे इन तीनों शर्तों का, ये वाला एग्जांपल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर भी देखा होगा, C6H6 बेंजीन बोलते हैं इसको, और इसकी जो ज्यामिति होती है वो किस प्रकार की होती है, संरचना इस प्रकार से। अब मैंने बताया था कि जो आबंध रेखा सूत्र जो जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा जब दर्शाया था, तो प्रत्येक कार्बन परमाणु जहां पर काटता है वहां लाइनें जहां पर काटती है वहां पर की कौन सी स्थिति को दर्शाया जाता है, कार्बन परमाणु। क्लियर है? अब देखो यहां से इस यौगिक के अंदर पाई बॉन्ड कितने यहां पे, एक तो ये रहा, दो तीन, एन बराबर यहां पे क्या है, तीन है, तो यानी एन बराबर यहां पे तीन रखूंगा, तो यानी कि सिस्टम कौन सी कितने इलेक्ट्रॉनों का फॉलो कर रहा है, यहां पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का फॉलो कर रहा है, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। दूसरी पहली शर्त, इसका मतलब है कल का नियम लग रहा है यहां पे। दूसरी बात क्या कह रहा है कि यौगिक का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होना चाहिए, इस यौगिक के अंदर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाला सारे के सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, sp2। देखो इस कार्बन को, ये कार्बन डबल बॉन्ड से टच है क्या, जब डबल बॉन्ड से टच होता है तो संकरण कौन सा माना जाता है, sp2। ऐसे ये कार्बन देखो डबल बॉन्ड से, ये भी क्या है, sp2। ये कार्बन डबल बॉन्डेड है तो ये भी क्या है, sp2। ये डबल बॉन्ड से टच कर रहा है तो ये क्या है, sp2। यहां से ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, sp2, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड है, sp2। यानी इसी यौगिक के अंदर टोटल कार्बन परमाणु जो है वो sp2 संकरित है क्या, और sp2 संकरित है तो ज्यामिति कैसी बनती है, त्रिकोणीय समतल। नेक्स्ट में तीसरी शर्त में कह रहा है यौगिक में द्विबंध व एकल बंध, या द्विबंध या धनायन, धनायन का मतलब जिसके ऊपर प्लस आता है वो धनायन होता है और जिसके ऊपर माइनस आता है वो क्या होता है, ऋणायन। तो यहां पर प्लस माइनस तो दिखाई नहीं यहां पे, तो यानी कि द्विबंध और एकल बंध, तो यानी कि यौगिक में द्विबंध व एकल बंध ये वाला पोर्शन अप्लाई करेगा यहां, द्विबंध व एकल बंध कैसे होना चाहिए, एकांतर क्रम में। एकांतर का मतलब यहां पे एक के बाद, देखिएगा यहां से ये डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड की तुरंत बाद कौन है, एकल बंध, तो द्विबंध और एकल बंध हो गए क्या, देखो डबल सिंगल फिर क्या आ गया यहां पे, डबल फिर क्या है, एकल फिर क्या है, डबल फिर क्या है, सिंगल। तो द्विबंध और एकल बंध एक दूसरे की क्या है, अल्टरनेट है क्या, तो इस शर्त को भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये यौगिक जो है वो एरोमेटिकता की सभी शर्तों को पालन करता है, तो यौगिक कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक। तभी तो आपने लिख देते हैं कि बेंजीन कैसा यौगिक होता है, एरोमेटिक यौगिक होता है। क्यों होता है, इन तीनों शर्तों का पालन करता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे एरोमेटिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होता है बेंजीनोइड, बेंजीनोइड, और दूसरा क्या होता है नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। सीधी सी बात है, बेंजीनोइड बेंजीन के समान संरचना है तो बेंजीनोइड, और यदि यौगिक की संरचना बेंजीन के समान नहीं है तो फिर कैसे कहलाएगा, नॉन बेंजीनोइड। तो डियर स्टूडेंट यहां पे क्या है कि वे यौगिक जिनकी संरचना बेंजीन वलय के समान होती है वो क्या कहलाते हैं, बेंजीनोइड यौगिक कहलाते हैं, और वे यौगिक जिनकी संरचना बेंजीन के समान नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन बेंजीनोइड कहा जाता है। तो देखिए यहां से बेंजीनोइड का मतलब, यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है, यहां ऊपर लिख देता हूं, यहां से मैं बेंजीनोइड एग्जांपल है, ये देखो बेंजीन रिंग है, यहां पे ये वाला बेंजीन, यहां पे मैंने Cl जोड़ दिया, यहां पे मैंने लगा दिया NO2, यहां पे मैंने जोड़ दिया NH2, यहां पे जोड़ दिया मैंने यहां पे CH3। तो देखिएगा यहां से Cl है, NO2 है, NH2 है, CH3, ये केवल परमाणु जुड़े हैं, ये जो परमाणु जुड़े हैं वो किस पर जुड़ रहे हैं, इस रिंग के ऊपर जुड़ रहे हैं, इस रिंग की जो संरचना, इस रिंग में कितने कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु की क्लोज रिंग है, यानी इस रिंग को क्या बोला था, बेंजीन।
तो यानी इन यौगिकों की जो संरचना है वो किसके समान है, बेंजीन रिंग के समान होने के कारण किस प्रकार की यौगिक कहा जाता है, बेंजीन रिंग यौगिक कहा जाता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यानी बेंजीन रिंग पर CN जुड़ जाता है तो नाम क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। ऐसी बेंजीन रिंग पर NO2 जुड़ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ऐसे यहां पे बेंजीन रिंग पर NH2 समूह जुड़ जाता है इसका नाम होता है एनिलीन, इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। और बेंजीन रिंग पर CH3 समूह जुड़ जाता है इसका नाम होता है टोलुइन। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट, देखो क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन है, टोलुइन है, वो किस प्रकार के यौगिक होते हैं, बेंजीनोइड यौगिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इन यौगिकों की जो संरचना है वो किसके समान होती है, इस बेंजीन रिंग के समान होती है, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, बेंजीनोइड यौगिक कहा जाता है। यानी कि कम से कम 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से नॉन बेंजीनोइड यौगिकों की बात करूं मैं, नॉन बेंजीनोइड में भी मैंने क्या बोला कि वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना बेंजीन वलय के समान नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन बेंजीनोइड। और नॉन बेंजीनोइड का जो एग्जांपल है वो कौन होता है, ट्रोपोलिन। इसका एग्जांपल कौन होता है, ट्रोपोलिन। अब ट्रोपोलिन की जो मैं संरचना बनाना चाहूं तो देखो किस प्रकार की संरचना होती है ट्रोपोलिन, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल सिंगल डबल, यहां से ये डबल होता है और यहां से, यानी कि 7 मेंबर रिंग होती है। यहां पे ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7, यानी देखो 7 कार्बन, जबकि बेंजीन रिंग में देखो यहां पे बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन परमाणु की पैक रिंग जो होती है, बंद रिंग होती है, वो कहलाती है बेंजीन। लेकिन यहां पे तो रिंग में 6 के बजाय कितने कार्बन है, 7 है। देखो यहां पे लाइन का किनारा समांतर हो रहा है तो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब इस ट्रोपोलिन जो है, उस ट्रोपोलिन की संरचना बेंजीन के समान है ही नहीं, तो वे यौगिक जिनकी संरचना बेंजीन वलय के समान नहीं होती है वो यौगिक कैसे कहलाते हैं, नॉन बेंजीनोइड कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है, थैंक्स।